हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ MySQL। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंसर्ट कमांड की, इंसर्ट इन MySQL। तो इंसर्ट कमांड बेसिकली एक DML कमांड होता है। इट इज़ अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। क्या काम करता है? तो इट इज़ यूज टू इंसर्ट रोज इन अ टेबल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट किया था, स्टूडेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन को डालना है तो आप किस तरह से डालेंगे? यूजिंग इंसर्ट क्वेरी। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होते हैं फर्स्ट टाइम, सपोज आपको जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सो यू गेट अ फॉर्म ओवर देयर। वहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालते हैं, एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन सबमिट बटन तो बैक एंड में वहाँ पर इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, जो आपके डेटा को लेकर डेटाबेस के अंदर टेबल में इंसर्ट करती है। सो देखते हैं इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है। सो द सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अगेन टेबल नेम सिचुएशनली जो है वो चेंज होने वाला है। टेबल नेम अगर आप स्टूडेंट में डेटा डाल रहे हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट्स में डेटा डाल रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। देन यहाँ पे कॉलम के नाम आएंगे जिन कॉलम में आपको इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाई कॉमा साइन। जिन जिन कॉलम्स में आपको डेटा डालना है उन फील्ड की लिस्ट यहाँ पर आएगी, दैट विल बी सेपरेटेड बाई कॉमा साइन, और वो भी कहाँ लिखा जाएगा, दैट विल बी रिटन इन स्मॉल पैरेंथेसिस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर्स। देन दिस इस पैरेंथेसिस के बाद में यहाँ पर हम क्लॉज यूज करेंगे वैल्यूज, एंड आफ्टर वैल्यूज वी हैव दिस वैल्यूज फॉर अवर फील्ड, एंड दिस वैल्यूज विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा साइन। सो दिस इज द होल सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट कमांड। चलिए सिंटेक्स का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को डालते हैं MySQL के अंदर। तो मैंने यहाँ पे MySQL ऑलरेडी ओपन कर रखा है। देखिए हमने लास्ट क्लास में टेबल्स बनाई थी स्टूडेंट एंड प्रोडक्ट्स। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस प्रोडक्ट्स टेबल। ये हमारे पास फील्ड्स हैं प्रोडक्ट्स टेबल की, और इसमें इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आएगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिखा प्रोडक्ट्स, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। देन स्मॉल पैरेंथेसिस फॉर मेंशनिंग द फील्ड नेम्स, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस लगाया। देन आई एम मेंशनिंग द नेम्स ऑफ द फील्ड्स इन विच आई हैव टू फिल द डेटा। तो मैंने प्रॉड आईडी लिखा है यहाँ पे, पी नेम लिख लिया है, एंड सपोज आई डोंट हैव कॉस्ट विद मी, मेरे पास अभी कॉस्ट नहीं है प्रोडक्ट की, सो आई एम स्किपिंग दैट फील्ड। मतलब आपको प्रोडक्ट्स के बाद जो पैरेंथेसिस आती हैं उसमें उन्हीं फील्ड्स के नाम मेंशन करना है जिसमें आपको डेटा डालना है ना। जिनका डेटा नहीं डालना है आप उसको मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद वैल्यूज भी उन्हीं फील्ड्स की जाने वाली हैं। तो देखिए मैंने यहाँ वैल्यूज क्लॉज लिखा, नाउ आई एम गोइंग टू पुट वैल्यूज ओवर हियर। सबसे पहले मैं वैल्यू डालूंगी प्रोडक्ट आईडी में। प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे एक होल नंबर डाल रही हूँ, दैट इज 101, सेपरेटेड बाय कॉमा साइन, तो कॉमा साइन लगाया मैंने यहाँ पर। नाउ आई हैव टू पुट वैल्यू फॉर पी नेम। अगर आपको याद हो तो जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था तो मैंने कहा था स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज आइदर इन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, और MySQL में स्ट्रिंग्स क्या होती, वेर के डेटा टाइप। तो इस वेर के डेटा टाइप में जब मुझे वैल्यूज डालनी है तो यहाँ जो वैल्यू मैं डालूंगी दैट विल बी एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स और इन डबल कोट्स, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इट्स अ वेर के। मैंने सिंगल कोट्स यहाँ पे लगाया, एंड आई एम मेंशनिंग अ प्रोडक्ट नेम, सपोज मैंने यहाँ लिखा पेंसिल, दैट्स इट। नाउ आई वांट टू पुट क्वांटिटी। मैं यहाँ कॉस्ट नहीं डालूंगी, क्वांटिटी डालूंगी। क्यों क्वांटिटी डालूंगी? बिकॉज मैंने यहाँ मेंशन किया है इसको क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पे मैंने कॉस्ट मेंशन नहीं किया, सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू फॉर क्वांटिटी हियर। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया, सपोज 20 क्वांटिटीज आई एम हैविंग, और फिर मैंने यहाँ लगा दिया सेमीकॉलन। Now I am going to press enter key. One row is affected. Query में data insert हो गया। Check करने के लिए हमारे पास एक command होता है। That command is known as select star from table name. इसको हम detail में पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए। Select command is used to display data from a table. उसको use करने का तरीका भी यही याद रख लीजिए। इसमें बहुत सारे variations होते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक video create करूँगी। Now I'm pressing enter key and you can find the data over here. Cost मैंने नहीं डाला था, then cost चूंकि मैंने नहीं डाला था यहाँ पर, then you can see that since cost is not there, so यहाँ पे cost का जो value आया है that is null. Cost के अंदर जो यहाँ value हम डाल रहे हैं वो यहाँ पर null आ रहा है, क्योंकि cost के लिए हमने कोई data specify नहीं किया था। ठीक, अब मैं दोबारा इसी command को execute करके बताती हूँ आपको insert with all values. इंसर्ट कमांड के साथ एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इफ़ यू आर डैम श्योर कि आपको सारे कॉलम में डेटा डालना है, देन नो नीड टू मेंशन
फील्ड लिस्ट आफ्टर प्रोडक्ट्स, इज इट क्लियर? अगर आप कंफर्म हैं कि आपको सारी फील्ड्स में डेटा डालना है या आपको सारी फील्ड्स में डेटा डालना है, तब आपको टेबल के नाम के पीछे जो ब्रैकेट्स में आप फील्ड मेंशन करते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आपने ये वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पर, मतलब प्रोडक्ट्स के पीछे अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि आप सारे ही कॉलम्स में डेटा फिल करने वाले हैं। अब मेरे पास चार कॉलम है तो मुझे चार वैल्यूज यहाँ देनी होगी, तो मैंने यहाँ पे 102 दिया, किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट आई डी। प्रोडक्ट नेम के लिए मैं यहाँ पर पेंसिल की जगह ले लेती हूँ इरेजर। अब यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है दैट इज कॉस्ट, सो आई हैव टू मेंशन अ कॉस्ट। मैंने यहाँ पर लिख लिया इसका कॉस्ट 20 रुपीज 50 पैसा, लाइक दिस। फ्लोट वैल्यू था, एक्सेप्ट कर लेगा डेसिमल वैल्यू। न्यूमेरिक फील्ड्स को कभी भी हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में एंक्लोज नहीं करते हैं। देन नंबर ऑफ इरेजर्स कितना होगा, क्वांटिटी मैं यहाँ 30 ले लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर जाकर इसको एंटर की प्रेस किया। माई रो इज एग्जीक्यूटेड, माई कमांड इज एग्जीक्यूटेड, और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लोज यूज कर लेती हूँ, एंड माई रिजल्ट विल बी दिस वन। सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट डेटा इन योर टेबल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम और डी एम एल कमांड पढ़ेंगे। थैंक यू।